हमारे महाकाव्यों को अगर हम पढ़ें तो उनमें कई ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो अत्यंत ही शक्तिशाली थे। इन अस्त्रों का उपयोग राक्षस, असुर, दानव आदि सभी के साथ में युद्ध करने के लिए होता था। अगर इन अस्त्रों का उपयोग ना होता तो आज इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं अस्त्रों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अस्त्रों के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। नंबर 10, इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र ही चलाकर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। श्री राम ने इस अस्त्र को ही चलाकर कुंभकर्ण को मारा था। अर्जुन ने भी महाभारत में इस अस्त्र का उपयोग कई बार किया था। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। ब्रह्मास्त्र के आगे जो भी आता है उसका नाश जरूर होता है। इस अस्त्र का उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। नंबर 8, वास्तविक शक्ति, यानी कि इंद्र देव की अमोघ शक्ति। ये शक्ति इंद्र ने कर्ण को कर्ण के कुंडल कवच के बदले में दी थी, लेकिन कर्ण इस शक्ति का उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकता था। इसी शक्ति से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। नंबर 7, रुद्रास्त्र। स्वर्ग लोक में अर्जुन ने इसी अस्त्र का प्रयोग करके हजारों काल के देवताओं का वध किया था। अर्जुन इस अस्त्र को कर्ण पर भी चलाने वाले थे, पर उसी वक्त कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस गया था, इसीलिए अर्जुन ने इसे वापस ले लिया था। नंबर 6, वज्रास्त्र। देवराज इंद्र का वज्र अस्त्र एक दुर्लभ और अत्यंत अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि लाखों प्राणियों को एक बार में ही नष्ट कर सकती है। इंद्र ने इसका प्रयोग कर वल और व्रत जैसे अति शक्तिशाली असुरों का वध किया था। बाल हनुमान पर भी इंद्र ने इसका प्रयोग किया था। रामायण में ये अस्त्र राम और लक्ष्मण के पास था और महाभारत में अर्जुन ने अपने पिता से इसे लिया था। नंबर 5, वैष्णव अस्त्र। ये अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी तरह का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही लिया जा सकता है। श्री राम जी को इस अस्त्र का ज्ञान था और महाभारत में भगदत्त ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह एक माला के रूप में श्री कृष्ण के गले में चला गया था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। नंबर 4, ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को था। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया था, जिसके कारण अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा था। पर बीच बचाव के कारण अर्जुन ने अपना अस्त्र तो वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम थे, इसीलिए उन्होंने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। नंबर 3, नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का अत्यंत ही शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है, जिसका प्रतिकार करना संभव है। इसका प्रतिशोध करने पर इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। इसका एक ही प्रतिकार है कि शत्रु अपने सारे अस्त्र छोड़कर विनम्रता से इसके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था। इस अस्त्र ने कुछ ही समय में पांडवों की एक अक्षुणी सेना को नष्ट कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने सबको इसके आगे अस्त्र छोड़कर नतमस्तक होने के लिए कहा। इसके बाद यह अस्त्र स्वतः ही शांत हो गया था। नंबर 2, पशुपता अस्त्र। यह भगवान शिव का अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्र है,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। त्रिपुरा तीन अविनाशी दानव नगरों को इसी अस्त्र से भगवान शिव ने नष्ट किया था। इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव ने ही किया था। महाभारत में इसका ज्ञान अर्जुन को था और रामायण काल में श्री राम को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से यह अस्त्र प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग मानसिक संकल्प से दृष्टि, वाणी तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं। इन चारों में से चाहे जैसे भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाए, शत्रु का नाश होना तो निश्चित है। नंबर एक, पहले स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आता है। भगवान शिव का त्रिशूल मस्त्र अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमाण हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। शंकर जी के छोड़े जाने पर यह त्रिशूल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, महासागरों को पल भर में सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। ध्रुम रहित आग की ज्वालाओं सहित वे काला त्रिशूल पहले काल सूर्य की तरह उदित हुआ था। हाथ में सर्प लिए अवर्णीय पास धारी यमराज की तरह जान पड़ता था। वहीं सुदर्शन चक्र अचेता गति मन को इंगित करता है। सुदर्शन चक्र अच्छाई को भी दर्शाता है। भगवान विष्णु का यह चक्र शिव जी के त्रिशूल की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसे काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण ने इस चक्र को धारण किया था, लेकिन इस चक्र का प्रयोग सिर्फ श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही यह चक्र विष्णु जी को दिया था।